हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फाइलम चिनोफोरा को ख़त्म किया था और टुडे वी विल स्टार्ट फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस। ये फोर्थ फाइलम है और इसमें आप वर्ड देख रहे हैं प्लेट, तो ग्रीक में प्लेट मतलब होता है फ्लैट और हेलमिंथ मतलब होता है वार्म। तो इसका ये क्या हो गया, फ्लैट वॉर्म। दिस इज ऑल्सो नोन एज, का कॉमन नाम है फ्लैट वॉर्म। ना उसको फ्लैट वॉर्म क्यों बोला जाता है, फ्लैट वॉर्म इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी जो है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। डॉर्सो मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ से ये बिल्कुल फ्लैट होता है। इसके बॉडी पे कोई भी तरह का रिजेस नहीं प्रेजेंट होता। जैसे आप ह्यूमन बॉडी पे देखेंगे तो हमारे यहाँ जगह जगह कर्व्स डिप्स होता है, हमारी बॉडी पूरी फ्लैट नहीं होती ऐसे। बट ये जो वॉर्म है इसकी बॉडी कैसा होता है, बिल्कुल चपटा है, पेपर की तरह आप कह सकते हैं। सो इट हैज़, विल राइट दैट पॉइंट, इट हैज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। ऐसी बॉडी जो दोनों साइड क्या हो, फ्लैट हो। हैबिटेट, ये जो वॉर्म है ये मोस्टली मतलब मैक्सिमम ऑफ जो इसकी स्पीसीज है प्लेटीहेलमिंथेस के, वो पैरासाइटिक बाय नेचर होते हैं। इधर वो होस्ट के अंदर रहते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, या होस्ट के ऊपर रहते हैं। तो मोस्टली दे आर पैरासाइटिक। कुछ पैरासाइटिक है मतलब सम ऑफ देम आर नॉट, तो सम ऑफ देम स्टे ईदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। इसमें भी सम ऑफ देम आर फ्री लिविंग। तो कुछ फ्री लिविंग होते हैं, जो फ्री लिविंग होते हैं वो कहाँ होते हैं, ईदर दे कैन स्टे इन एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। हैबिट, फ्लैट बॉडी सरफेस, एज आई हैव ऑलरेडी रिटन, ये जो फाइलम है यहाँ से कई सारे एडवांस एंड न्यू कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट होते हैं। जैसे इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, सेलुलर लेवल टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बट यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो बॉडी प्लान जो है ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इनका जो बॉडी है वो है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, हमने ऑलरेडी देखा है। प्लेटीहेलमिंथेस वो फाइलम है जहाँ पे एक्चुअली ट्रू एलिमेंट्री कनाल फॉर्म हुआ था। एलिमेंट्री कनाल मतलब कि हमारा ये जो माउथ है, ओपनिंग, फिर ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे जो है वो एलिमेंट्री कनाल स्मैथिक ट्यूब आता है। तो जो ट्रू एलिमेंट्री कनाल जो है, इवन दो वो इनकम्प्लीट है, बट फॉर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ था, प्लेटीहेलमिंथेस से। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब ओनली वन ओपनिंग। That is mouth is equal to anus. Incomplete elementary canal, क्योंकि एक ही opening है, इसके लिए elementary canal कैसा है, incomplete.
सो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल। इसके पहले हमने जो जर्म लेयर देखा था वो क्या था, दो ही जर्म लेयर था, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। ये जो फाइलम है यहाँ पे तीसरा जर्म लेयर भी फॉर्म हो गया था, दैट इज मीजोडर्म। सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों जर्म लेयर बने हैं इसके पास। इट हैज एक्टोडर्म। एक्टोडर्म कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर लेयर। एंडोडर्म इनर लेयर। फाइनली मीजोडर्म। मीजोडर्म मिडल में प्रेजेंट होता है, लास्ट जर्म लेयर फॉर्म्ड। मिडल लेयर वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट जर्म लेयर फॉर्म। सबसे आखिरी जर्म लेयर क्या है, दैट इज मीजोडर्म। और वो किस फाइलम में बना था, प्लैटीहेलमिंथस में। वेरी इंपॉर्टेंट, सो लास्ट जर्म लेयर इज मीजोडर्म एंड इट इज फॉर्म्ड इन द फाइलम प्लैटीहेलमिंथस। तो ये हो गया। अब जब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था तो हमने देखा था जब मीजोडर्म आ जाता है उसके बाद सीलोम एक ट्रू कैविटी फॉर्म होती है, मतलब ऐसी कैविटी, ऐसा स्पेस जिसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट हो, मीजोडर्म। इवन दो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जर्म लेयर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या है, सीलोमिक है। दिस इज ए सीलोमेट। नेक्स्ट पॉइंट, ए सीलोमेट मतलब कि सीलोमेज एब्सेंट। मतलब कैविटी फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके बाद सिमेट्री। यहां से पहली बार बायलेटरल सिमेट्री भी स्टार्ट हुई है, सो इट इज बायलेटरल। बायलेटरल मतलब कि एक ही प्लेन में, ओनली वन प्लेन बॉडी को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, दोनों हाफ एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज। बॉडी इज डिवाइडेड into two equal halves in just one plane and both the halves are mirror image of each other. Symmetry भी हो गया। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से स्टार्ट होती है, दैट इज सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन मतलब होता है, सिफिलॉन वर्ड हम हेड के लिए, ब्रेन के लिए यूज़ करते हैं, तो फॉर्मेशन और जो हेड है, ब्रेन है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो सिफिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, सिफिलाइजेशन मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ हेड। अब ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ा, क्योंकि आपने देखा कि अब तक जितने भी हमने तीनों फाइलम पढ़े थे, तीनों के तीनों कहाँ रहते हैं, एक्वाटिक में, पानी में, चाहे वो मराइन हो चाहे फ्रेश वाटर हो।
बट ये जो फाइलम है यहाँ पे हमने देखा कि फ्री लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहते हैं, टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं। जब भी ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है तो उसके पास तैरते तैरते मैनी एनिमल जो है उसके पास से गुजरता है तो खाना हंट करने के लिए, सो तब प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि उसके पास खुद फूड आ जाता है। लेकिन टेरेस्ट्री पे लैंड पे प्रॉब्लम होता है तो शिकार करने के लिए यू नीड योर ब्रेन, यू नीड टू थिंक, एंड वहाँ पे आता है हमारा सिविलाइजेशन, द फॉर्मेशन ऑफ हेड स्टार्टेड फ्रॉम हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रेस्पिरेशन सेम थ्रू बॉडी सरफेस, अब तक कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन, एक्सक्रीशन के पास एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ऑर्गन ना बोल के उसको बोल सकते हैं, दे हैव एक्सक्रीटरी सेल नोन एज फ्लेम सेल। एक्सक्रीटरी तो यहां से थोड़ा सा एडवांसमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन सेल इज प्रेजेंट एंड दैट इज नोन एज फ्लेम सेल। फ्लेम सेल जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। This is pseudopodia. This is cilia. ये है globules. Excretory globules इसे कहते हैं. This is nucleus. ये करता क्या है? जो सुडोपोडिया है, जितने भी एस्क्रीटरी प्रोडक्ट है सुडोपोडिया इसे ग्रैब कर लेता है। ग्रैब करने के बाद ये क्या करेगा, जो आप ग्लोब्यूल देख रहे हैं इसे एस्क्रीटरी लिख देते हैं। तो सुडोपोडिया ग्रैब द एस्क्रीटरी प्रोडक्ट, उसे स्टोर किस में करता है, या ग्लोब्यूल में करता है। और ग्लोब्यूल जो है उसके बाद एक बार जब ये स्टोर हो जाता है तब जो सीलिया देख रहे हैं, सीलिया के बीटिंग मूवमेंट की वजह से ये जो ग्लोब्यूल है वो उस जगह पे लाया जाता है जहाँ से बॉडी सरफेस के थ्रू एस्क्रीटरी प्रोडक्ट कहाँ चला जाए, बॉडी के बाहर चला जाए। जब सीलिया बीट करता है तो उसमें ऐसा लगता है जैसे कैंडल को आपने देखा होगा कि जब हवा चलता है तो फ्लिकर करता है, लेकिन उसका जो फ्लेम है वो थोड़ा इस तरफ ऐसे मूव करने लगता है। सीलिया का मूवमेंट वैसे ही लगता है, ऐसे लगता है कैंडल फ्लिकर हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फ्लेम सेल पड़ गया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, सुडोपोडिया ग्रैब्स एस्क्रीटरी प्रोडक्ट, स्टोर्स इन द एस्क्रीटरी ग्लोब्यूल्स, उसके बाद सीलिया के बीटिंग मूवमेंट की वजह से वो ल्यूमेन तक लाया जाता है और उसके बाद वो बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एस्क्रीटरी ऑर्गन इज फ्लेम सेल। सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट। एब्सेंट नर्वस सिस्टम,
ये जो ऐसा फाइलम है जहाँ पे पहली बार साइटॉन फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, ट्रू नर्व सेल फॉर्मेशन ऑफ गैंग्लिया स्टार्टेड फ्रॉम हियर। वैसे तो नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो गया था, हमने देखा था इन सिलेंट्रेटा ओनली, बट यहाँ पे जो है ट्रू सेल जो है वो इमर्ज होता है। दे हैव नेटवर्क ऑफ गैंग्लिया, सो एक नेटवर्क बनाता है और लैडर की तरह वो दिखता है, हेंस इनका नर्वस सिस्टम जो है वो लैडर टाइप है। हैव लैडर टाइप नर्वस सिस्टम। ठीक है, मान लीजिए ऐसे साइटॉन है, तो इसका एक ऐसा साइटॉन हो गया, ऐसे दूसरा साइटॉन हो गया, तो उनका सबका ऐसा नेटवर्क जो है तो एक लैडर लाइक अपीयरेंस देता है, दैट्स व्हाई इट हैज लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जब भी हम पढ़ते हैं तो पहले हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह का है, तो इट इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब कि लार्वल स्टेज क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वल स्टेज प्रेजेंट, दो चीफ स्पीसीज है इसके, जीनस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टिनिया है और एक लीवर फ्लूक है। इन तीनों का, इन दोनों का जो है तीन अलग अलग लार्वल स्टेज होता है, और ये दोनों का लार्वल स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये तीनों याद होना चाहिए। सो पहले हम देख लेते हैं लीवर फ्लूक, लार्वल स्टेज ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं लीवर फ्लूक। सरकेरिया, मेटा सरकेरिया एंड मेरासीडियम, सरकेरिया, मेटासरकेरिया, मेरासीडियम, दीज थ्री आर लार्वल स्टेज ऑफ लीवर फ्लूक। इसके अलावा टिनिया, हेक्सांथ, ऑनकोस्फियर, सिस्टी सिरोकस, हेक्सांथ, ऑनकोस्फियर। लीवर फ्लूक का तीन लार्वल स्टेज है, सरकेरिया, मेटासरकेरिया, मेरासीडियम। टीनिया का लार्वल स्टेज भी तीन है, सिस्टी सिरोकस, हेक्सांथ एंड ऑनकोस्फियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके तीनों लार्वल स्टेज याद होने चाहिए। इसमें से ये जो है टीनिया, ये डिजीज़ कॉज करता है, वो हम बाद में देखेंगे जब हम इसका एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आएगा वो आएगा पावर ऑफ रीजनरेशन। दे हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। स्पेसिफिकली कौन? प्लेनेरिया
प्लैटिनिया का साइंटिफिक नाम है ड्यूगेसिया, इसे ड्यूगेसिया भी कहते हैं। तो प्लैनेरिया जो है उसके पास ग्रेट रीजनरेशन पावर है। रीजनरेशन मतलब क्या होता है कि किसी की बॉडी जब मैकेनिकली किसी की वजह से अगर कट हो जाए, उसमें कुछ हो जाए, तो उसका हर एक बॉडी पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो प्लैनेरिया है इसके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, नियोब्लास्ट। सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर किसके पास होता है? प्लैनेरिया। सो इम्पॉर्टेंट है ये। Why? Because they have a totipotent cell. Totipotent cell. जिसका नाम है नियोब्लास्ट। अब totipotent मतलब क्या होता है? Toti मतलब total, potent मतलब potential. हमारे पास जब स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बन जाता है? जाइगॉट बनता है। और जाइगॉट क्या होता है? फर्दर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी है? एक सिंगल सेल से, जाइगॉट से। मतलब जाइगॉट के पास इतना पोटेंशियल है कि वो एक पूरा होल ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो कोई भी ऐसा सेल जिसके पास वो कैपेबिलिटी हो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने का, उसे क्या कहेंगे? टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंशियल। प्लांट के पास ये प्रॉपर्टी होती है। इसके लिए प्लांट के मैक्सिमम पार्ट जब आप यूज़ करते हैं तो उसे नया होल प्लांट बन जाता है, बिकॉज दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ टोटीपोटेंट। ऐसे ही सम लोअर एलिमल के पास भी ये प्रॉपर्टी होती है टोटीपोटेंशियल की, क्योंकि उनका बॉडी जो होता है बहुत कम टाइप ऑफ सेल से बना होता है। तो एक ही सेल जो है वो काफ़ी होता है वो ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। तो टोटीपोटेंट जो सेल है वो है नियोब्लास्ट। जिस जिस पार्ट के प्लैनेरिया में नियोब्लास्ट सेल होगा, अगर वो पार्ट कट हो गया है तो उसमें क्या बन जाएगा? एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और एक पॉइंट, पैरासाइटिक। हमने लिखा है ना कि प्लैटिहेलमिंथस मोस्टली पैरासाइटिक होता है, तो इसका कुछ अडाप्टेशन है जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म अडाप्ट करता है पैरासाइट रहने के लिए। सो पैरासाइटिक अडाप्टेशन। सबसे पहला जो अडाप्टेशन है वो है हुक। उनके पास एक ऐसा हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है किसमें काम आता है? फॉर द अटैचमेंट, फॉर अटैचमेंट। होस्ट के अंदर अटैच हो जाए ऐसा। उसके बाद सकर्स, दे हैव सकर्स। स्ट्रॉन्ग ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है जो होस्ट के ऊपर चिपक के उसे न्यूट्रिशन सक करता है। ये भी यूज्ड फॉर अटैचमेंट। And also used for ingestion of food. Third, इनके पास ये capacity होती है कि body surface के through भी food ले सकते हैं। So exchange of nutrition through body surface. Yeah. It can absorb nutrition through body surface. इनके बॉडी के ऊपर एक थिक कवरिंग होती है जो इसे प्रोटेक्ट करता है होस्ट के डाइजेस्टिव जूसेस से। मतलब कि अगर ये हमारे स्टमक के अंदर है तो हमारे पास है, लीवर के अंदर है, तो हमारा जो भी डाइजेस्टिव जूसेस है, जो भी एंजाइम है, उसे हार्म ना कर पाए, तो उसके लिए इनके ऊपर एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे टेग्यूमेंट्स कहते हैं। सो दे हैव थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड टेग्यूमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉट इज द फंक्शन ऑफ टेग्यूमेंट? प्रोटेक्ट करता है, यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट डाइजेस्टिव जूसेस। एंड सम ऑफ देम आर एनारोब्स, क्योंकि अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, मे बी ऑक्सीजन इनको ना अवेलेबल हो, तो सम ऑफ देम आर
anaerobes, not all of them. So these all are adaptive, parasitic adaptation. आप याद रखिएगा, hook, suckers, presence of tegument, body surface से ही nutrition को absorb कर लेते हैं, and anaerobic respiration. This is examples of platyhelminthes. तो इसमें से पहले हमने इसको तीन categories में रखा है. सबसे पहले हम देखेंगे कि वो platyhelminthes जो free living है, तो उसमें सिर्फ हमें एक ही example को पढ़ना है, planaria, जिसे dugesia भी कहते हैं. प्लैनेरिया जो है उसके पास सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर है, और हमने ये जो पॉइंट है ये हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में पढ़े हैं, राइट. 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है रीजनरेशन प्लैनेरिया, जहाँ पे उसके किसी भी बॉडी पार्ट को अगर आप कट कर दें तो उससे एक नया प्लैनेरिया बॉर्न हो जाता है, एंड दैट इज़ नोन एज रीजनरेशन, है ना, मैकेनिकल इंजरी से अपने आप नहीं टूटता है. तो वो उसके पास ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसे कहते हैं नियोब्लास्ट. सो इट हैज़ अ ग्रेट रीजनरेशन पावर, फ्री लिविंग होता है. इसका बाहर का जो एपिडर्मिस है, आउटर लेयर है, उसके पास सीलिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एंड मूवमेंट के लिए या अटैचमेंट के लिए इसका बॉडी सरफेस जो है वो एक म्यूकस सिक्रीट करता है, चिपचिपा सा सब्सटेंस सिक्रीट करता है, और जो पार्ट म्यूकस सिक्रीट करता है वो थोड़ा रॉड शेप का होता है, और इसीलिए उसे कहते हैं रेबडाइट्स. तो इट हैज़ रेबडाइट्स जो क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस, ठीक है. तो कोई अटैचमेंट करने के लिए काम आएगा. सो इट इज़ फ्री लिविंग, हैड ग्रेट रिजर्वेशन पावर, सीलिएटेड एपिडर्मिस, रॉड शेप रेबडाइट्स. रिमेंबर इट, इट इज़ रेबडाइट्स, क्योंकि ऐसा ही वर्ड एक बार आप और पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे एस्केल्मेंथस. तो देर आर वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, सो प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड वेरी करेक्टली. नेक्स्ट जो है, ये तो फ्री लिविंग था. नेक्स्ट जो है पैरासाइट है. पैरासाइट दो तरह का होता है, एक्टो और एंडो. ये जो हम पढ़ेंगे, दिस सेक्शन विल बी फॉर फ्लूक्स. लीवर फ्लूक्स आपने सुना होगा शायद. तो ये जो है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, सारे के सारे फ्लूक्स है. तो ये फ्री लिविंग था, ये फ्लूक है. इनकी बॉडी जो है वो फ्लैट होती है, लीफ लाइक, पत्ते की तरह होता है, चपटा सा. इसमें से हम तीन एग्जांपल पढ़ेंगे फ्लूक में. एक है शिस्टोसोमा. शिस्टोसोमा जो है डिजीज कॉज करता है, शिस्टोसोमियासिस, पानी में प्रेजेंट होता है. ये जो डिजीज़ है उसको बिलहर्जिया भी कहते हैं या ब्लड फ्लूक कहते हैं. ये बेसिकली वाटर के थ्रू, कंटेमिनेटेड वाटर या फीकल मैटर के अंदर रहता है, वहाँ से ह्यूमन के अंदर अगर आ गया तो स्टमक पेन, फीवर, थोड़ा सा लूज मोशन, ये सारे डिजीजेस कॉज करता है. खास बात ये है कि हमने जब देखा था रिप्रोडक्शन में, तो वहाँ पे हमने कहा था कि जितने भी प्लैटीहेल्मिंथेस है वो सबके सब क्या है, हर्माफ्रोडाइट्स. बट ये इकलौता ऐसा प्लैटीहेल्मिंथेस है जो कि यूनिसेक्सुअल है. तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सिस्टोसोमा इज यूनिसेक्सुअल. ओके, नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है लंग फ्लूक है. ये लंग फ्लूक इसके लिए, क्योंकि लंग डिजीज कॉज करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है इन एशिया. इसे जापानीज जो डिजीज कॉज करता है उसे जापानीज फ्लूक भी कहते हैं. इसका नाम, दूसरा नाम है, साइंटिफिक नाम पैरागोनिमस. पैरागोनिमस मतलब कि चप्पल के शेप का होता है. पैरा वर्ड हमेशा चप्पल, स्लीपर्स के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये चप्पल का शेप का होता है, लंग फ्लूक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करता है. के बाद इसका सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो एग्जांपल है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इस फेसियोला हिपैटिका लीवर फ्लूक. लीवर को अफेक्ट करता है, ह्यूमन का नहीं, मैमल्स का, शीप एंड गोट का. ये डायजेनेटिक पैरासाइट है, मतलब कि इसका दो होस्ट है, एक जो उसे लेके आता है और एक जिसके अंदर ये डिजीज कॉज करता है. जो डिजीज को ट्रांसमिट करता है उसे वेक्टर या कैरियर कहते हैं, और वो है फ्रेश वाटर स्नेल. और जिसमें ये डिजीज करता है वो है प्राइमरी होस्ट, शीप एंड गोट. डिजीज जो कॉज करता है वो है लीवर रॉट डिजीज. तो ये हो गया दूसरा. दो हमारे क्लासेस हमने पढ़ लिया. एक्चुअली ये हमने जो क्लासिफिकेशन किया है वो क्लासेस होते हैं, दीज आर आर क्लासेस. पर क्लासेस आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ एग्जांपल्स याद रखना है. अभी हमने टेप फ्लूक्स पढ़ा था. थर्ड जो है वो हम पढ़ेंगे टेप वॉर्म. फ्री लिविंग, फ्लूक्स, नाउ दिस इज टेपवॉर्म. ये क्या है, इनकी बॉडी जो है वो रिबन शेप की होती है, लंबा थ्रेड जैसा, एकदम रिबन शेप बॉडी. इनके पास बिल्कुल एलिमेंट्री कनाल नहीं होता है, क्योंकि ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं.
एंडोपैरासाइट्स, एलिमेंट्री कनालेज एब्सेंट, एलिमेंट्री कनालेज एब्सेंट। टेपवॉर्म, इसमें सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो है टीनिया सोलियम, टीनिया का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम जो है इसका एडल्ट फॉर्म भी डिजीज कॉज करता है, मतलब खुद टीनिया सोलियम, और इसका जो लार्वल स्टेज है सिस्टी सर्कस, हमने देखा था इसका लार्वा मेरा सीडियम, सिस्टी सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, मेरा सीडियम, ऐसा, तो इसका जो लार्वल स्टेज है वो भी डिजीज कॉज करता है, कॉजेस डिजीज। टीनियासिस, ये जो डिजीज कॉज करता है वो क्या है, टीनियासिस है। टीनियासिस बहुत कॉमन डिजीज है, आराम से ठीक हो जाता है, बच्चों के अंदर ज्यादा होता है, टेपवॉर्म भी कहते हैं इसे, स्टमक पेन गंदे पानी के थ्रू, फीकल मैटर के थ्रू ह्यूमन बॉडी में आ जाता है, और स्टमक पेन, फीवर, वेट लॉस, इसके सारे सिम्टम्स है टीनियासिस के। सो फीवर, स्टमक पेन, वेट लॉस, सो दीज ऑल आर एसेक्ट्रा, दीज ऑल आर सिम्टम ऑफ टीनियासिस। ये जो टीनियासिस जो डिजीज है ये एडल्ट कॉज करता है, कॉज्ड बाय एडल्ट टीनिया। इसका जो लार्वा है सिस्टी सर्कस वो भी डिजीज कॉज करता है, जिसे कहते हैं सिस्टी सर्कोसिस। और ये कब, टीनियासिस जो है वो कब होता है, टीनियासिस तब होता है जब अंडर कुक बीफ खाया जाता है, तो दिस इज कॉज्ड बाय अंडर कुक्ड बीफ, या मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप कहते हैं, तो ट्रांसमिटेड बाय अंडर कुक बीफ, टीनियासिस बाय अडल्ट ट्रांसमिटेड बाय अंडर कुक्ड बीफ। इसका जो लार्वल फॉर्म है सिस्टी सर्कस, कॉज डिसीज सिस्टी सर्कोसिस, ये जो डिजीज है वो ज्यादा डेंजरस है, मतलब इसका लार्वा जो है वो ज्यादा फेटल है, ज्यादा लीथल है, ज्यादा डेंजरस है, किससे, अपने एडल्ट फॉर्म से, क्योंकि सिस्टी सर्कस जो है वो सीजर कॉज करता है, ब्रेन डैमेज कॉज करता है, स्किन के नीचे लंप भी कॉज करता है। सो लार्वल, दिस इज लार्वल इज मोर डेंजरस और लीथल देन एडल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज इट कॉज लीथल डिजीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीनिया सोलियम जो है उसके दो डिसऑर्डर होते हैं, एक टीनियासिस और एक सिस्टी सर्कोसिस। सिस्टी सर्कोसिस जो है उसका लार्वा कॉज करता है, टीनियासिस जो है उसका एडल्ट फॉर्म कॉज करता है, जिसमें लार्वल डिसऑर्डर सिस्टी सर्कोसिस इज मोर डेंजरस बिकॉज इट अफेक्ट्स ब्रेन ऑल्सो। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टीनिया सोलियम का एक और स्पीसीज है उसका, तो उसका नाम है टीनिया सेजिनाटा। सेजिनाटा मतलब होता है पोर्क। नेक्स्ट इज टीनिया सेजिनाटा, इसका जो जीनस है टीनिया है, स्पीसीज क्या है, सेजिनाटा है। टीनिया सोलियम जो है वहाँ पे मैंने जो लिखा है बीफ, आप उसे कट करके पॉर्क कर दीजिए, क्योंकि टीनिया सोलियम जो है इट इज कॉज्ड बाय
अंडर कुक्ड पॉर्क, तो जहाँ पे हमने बीफ लिखा है वहाँ पे सिर्फ आप कट करके पॉर्क कर दीजिए, कि सेजिनोटा जो है ये ट्रांसमिटेड बाय अंडर कुक्ड बीफ, इसीलिए इसका कॉमन नाम जो है बीफ वॉर्म भी है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस को डॉग वॉर्म कहते हैं, इतना ही आपको याद रखना है। और एक और पॉइंट इसमें ये कि इट इज स्मॉलेस्ट टेप वॉर्म, स्मॉलेस्ट टेप वॉर्म। तो इसके इतने ही एग्जाम्पल है, आपको इतना ही याद रखना है। टिनिया का दो, टिनिया सोलियम, टिनिया सेजिनाटा, इकाइनोकोकस, ये हमने वॉर्म में पढ़ लिया। फ्लूक में हमने तीन एग्जाम्पल्स देखे थे, खुद लीवर फ्लूक, साइसोस्टोमा, एंड उसके बाद हमने देखा था ड्यूगेसिया एंड प्लेनेरिया, जिसके पास रीजनरेशन पावर है। इतना एग्जाम्पल्स है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ हमने ये वाला फाइलम भी ख़त्म कर लिया है। तो नेक्स्ट फाइलम जो है हमारा वो हो जाएगा एस्केलमेंथस, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।